प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। जैसा इसके पहले भी मैंने आपको याद दिलाया, पवित्र बाइबल दो हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वार्ध पहले का पोर्शन, पुराना नियम या पुरानी वाचा कही जाती है। दूसरा जो पोर्शन है, नया नियम या नई वाचा कहलाई जाती है। नई वाचा पढ़ने के लिए सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए इस तरह से अलग से एडिशन में उपलब्ध है। इसको जब हम खोलते हैं तो ये 27 भागों में बटा हुआ है। 27 भागों का जैसे शुरू में नाम है मत्ती मरकुस, उसी में से एक है पहला यूहन्ना। इन 27 को जब अपन खोलते हैं पुस्तकों को, तो हर पुस्तक 1, 2, 3 इस तरह से अध्यापकों अध्यायों में बटा हुआ है। उन अध्यायों को खोलें तो उसमें छोटे छोटे अक्षर में 1, 2, 3, 4 आपको दिखाई देंगे, जिनको अपन हिंदी में पद कहते हैं या श्लोक कहा जा सकता है। तो अपन ये जो 27 पुस्तकें हैं उनमें से पहला यूहन्ना नामक जो ग्रंथ है उसके पहले अध्याय के 5वें श्लोक को आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 1:5, इसको हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पृष्ठभूमि के रूप में आज दोबारा उसे पढ़ेंगे। जो समाचार हमने प्रभु से सुना और तुमको सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं। मैंने पिछले हफ्ते ये बात याद दिलाई थी कि इस पूरे विश्व के, और विश्व इतना असीमित है कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते, इस पूरे विश्व के सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारणहार मतलब उद्धार देने वाले व्यक्ति को हिंदी में अक्सर अपन हिंदी बाइबल में परमेश्वर कहते हैं। इसका कारण भी मैंने बताया था, हिंदी में कई बार अपन ईश्वर या भगवान शब्द काफ़ी ढीले ढाले तरीके से यूज़ करते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में अक्सर पति लोग अपनी पत्नी से पूछते हैं, हे भगवान तुम कहाँ थी अभी तक। भगवान या ईश्वर शब्द इस तरह से ढीले ढाले तरीके से मनुष्य के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, इसलिए उस अंतर को दिखाने के लिए ईश्वर के साथ परम शब्द जोड़ दिया गया। परम का मतलब है जो सबसे उन्नत है, जिससे जिसके आगे और कुछ नहीं है। तो परम और ईश्वर जोड़कर हिंदी शब्द परमेश्वर बना है। पता नहीं आप लोगों ने स्कूल में जो हिंदी की किताब है उसमें पंच परमेश्वर नाम की प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है या नहीं है। हमारे लिए तो जब हम 8वीं में बाल भारती भाग 8 हिंदी, उसमें पंच परमेश्वर एक बहुत बड़ी कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जो कि भारत के जाने माने लेखक, प्राचीन लेखक रहे हैं। खासकर हिंदुस्तान की आज़ादी से
जस्ट पहले के प्रसिद्ध लेखक थे। तो परमेश्वर शब्द हिंदी में हमेशा सृष्टिकर्ता, सृजनहार, उद्धार देने वाले तारणहार, पालन करने वाले पालनहार के लिए यूज होता है। और यहाँ पर प्रभु के वचन में पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर ज्योति है, और मैंने आपको ये बात बताई थी पिछले हफ्ते, याद दिलाई थी कि यहाँ पर ज्योति का मतलब ये नहीं है कि टॉर्च ऑन कर दिया। टॉर्च ऑन करते हैं तो ज्योति या रोशनी होती है। यहाँ ज्योति एक अलंकार के रूप में आया। अलंकार का मतलब है किसी एक चीज को लेकर दूसरे को बताया जाए। जैसे मैं कॉलेज से रात को देर घर पहुंचा तो मेरे पापा शेर के समान दहाड़े। उसका मतलब यह नहीं है कि पापा जो है वो चार पाए जानवर बन गए थे। उसका मतलब यह नहीं है कि पापा का चेहरा जो है वो एक जानवर का चेहरा हो गया, बल्कि शेर जिस तरह से दहाड़ता है, जिससे सारे प्राणी डर जाते हैं, तो उसी तरह का एक यूज़ है कि पापा ऐसे जोर से चिल्लाए कि सब डर गए। इस तरह की जो भाषा है उसको अपन अलंकार कहते हैं या आलंकारिक प्रयोग कहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए आलंकारिक प्रयोग है कि परमेश्वर ज्योति है। और हम लोग जानते हैं कि जब ज्योति आती है तो अंधकार मिट जाता है। अंधेरे से अंधेरा कमरा हो, उसमें माचिस की काड़ी जला दीजिए, रोशनी हो जाती है। मोमबत्ती जलाएं तो और अधिक रोशनी हो जाती है। रोशनी हमेशा अंधेरे के विरुद्ध है। तो ये जो श्लोक हमने पिछले हफ्ते जिसका अध्ययन किया था, वो इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है। जो कुछ परमेश्वर की विशेषताएं हैं उन सबको परमेश्वर प्रकाश है या ज्योति है से कहा गया है। परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। इसका क्या मतलब है ये भी हमने देखा था। परमेश्वर के अंदर ना तो बैर है, ना विरोध है, ना पाप है, ना किसी तरह की बुराई है। इस पृष्ठभूमि में हमें अगला पद पढ़ना चाहिए। अगला पद या अगला श्लोक है, यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी संगति है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। मान के चलिए कि एक आदमी दावा करता है, मान लीजिए वो मुझसे आपसे पूछता है कि सुनो शास्त्री जी, कितने दूर तक आप पढ़ सकते हैं? तो मैं तो बहुत जल्दी हथियार डाल दूंगा। मैं कहूंगा भैया मैंने तो चश्मा लगा रखा है, बिना चश्मे के एक फुट दूर का नहीं पढ़ सकता, और चश्मा लगा लूं तो 10-1 फुट दूर या 20-1 फुट यदि बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है तो दिखाई देता है। मैं सच सच बोलता हूँ। यदि वो आदमी कहे कि बाप रे तुम्हारी नज़र तो बड़ी कमज़ोर है, मुझे तो 100-100 फुट दूर का जो है वो साफ साफ दिखाई देता है, 100 फुट दूर यदि कोई किताब खोल ले तो मुझे दिख जाता है, तो हैरान होंगे या नहीं होंगे? हम में से हर व्यक्ति हैरान हो जाएगा, क्योंकि आप जो है दूरबीन लगा कर देखें तो अभी 100 फुट दूर की किताब को पढ़ना मुश्किल है। और जब सारी बातचीत के बाद जो है जब अपन उठ खड़े होते हैं, तब वो आदमी सफ़ेद लाठी उससे यों आगे की तरफ जो है फील करता है। हम जानते हैं सफ़ेद लाठी लेकर कौन चलते हैं हिंदुस्तान में? अंधे लोग। अंधे लोगों की पहचान है कि वे लोग पतली सी सफ़ेद लाठी लेकर चलते हैं, जिससे कि आगे कोई चीज़ टकराए तो उनको पता चल जाए। तो जो आदमी आपसे दावा कर रहा है कि 100 फुट दूर कोई किताब खोल ले तो मैं पढ़ लूँगा, और उसके बाद जो है सफ़ेद लाठी लेके यूँ टटोलते टटोलते आगे चलता है, तो हम
दो बातें उसके बारे में पहचान लेते हैं, नंबर वन कि वो अंधा है, नंबर दो कि नंबर वन झूठा है। प्रभु का वचन यही कहता है कि यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी संगति है और फिर हम अंधेरे में चलें। संगति किस तरह के लोगों से की जाती है? हम में से यहाँ कई लोगों ने बच्चे पाले हैं, बच्चों को किस तरह की दोस्ती करनी चाहिए इस मामले में हमारी बड़ी जिद है। अच्छा, जिन्होंने अभी बच्चे नहीं पाले हैं वे भी कभी बच्चे थे? आपके माँ बाप ने आपको रोका टोका होगा। मेरे पापा ने तो 50 प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, उससे मत बात करना, इससे मत बात करना, उसके साथ मत खेलना, इसके साथ मत खेलना। तब तो बड़ा बुरा लगता था क्योंकि पापा कारण कभी नहीं बताते थे, इसलिए बुरा लगता था। लेकिन आज मैं पलट कर जब देखता हूँ तो ये बात समझ में आ जाती है, फलाने के साथ यदि मैं बचपन में दोस्ती करता तो नंबर वन लुच्चा बन गया होता, फलाने से दोस्ती की होती तो शराबी बन गया होता, फलाने के साथ दोस्ती की गई होती तो शायद हत्यारा बन जाता या चोर बन जाता या नीच बन जाता। इसलिए मेरे फादर ने या पिताश्री ने उन लोगों के साथ संगति के लिए मना किया था। लेकिन ऐसे भी कुछ थे जिनके साथ पिताश्री प्रोत्साहित करते थे, ऐसे लोगों के साथ संगति करो। क्यों? संगति हमको ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिनका स्वभाव खरा है, जिनका स्वभाव पवित्र है, जो हमको अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। यदि हमारे मन में बुराई आती है तो जो हमको दोस्ताने तरीके से टोक कर हमको बताए कि तुम ये जो सोच रहे हो या कर रहे हो या करने की सोच रहे हो ये उचित नहीं है, ये एक प्रभु के बच्चे के लिए उचित नहीं है, ऐसे लोगों से संगति करनी चाहिए। मेरे पापा ने कारण कभी नहीं बताया जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों से संगति के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया जो मुझे मेरे जीवन को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर सकें। आज क्या स्थिति है? जब मैं मैच्योर हो गया या परिपक्व हो गया तो उसके बाद किससे दोस्ती करनी है या किससे दोस्ती नहीं करनी है ये बताने के लिए पापा की जरूरत नहीं रही। अब मैं खुद अपने लिए मित्रों को ढूंढता हूँ या मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि किससे दोस्ती करनी है, किस तरह के लोगों से मैं दोस्ती पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों से जिनके शौक मेरे शौक से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जो पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु के वचन से और प्रभु से प्रेम करते हैं। जब हम अपने जीवन में मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब हम संगति के लिए इस तरह के लोगों को चुनते हैं जो हमारी सोच के समान हैं, जिनकी सोच हमारी सोच के समान है। यही यहाँ पर कहा गया है कि हम में से यदि कोई कहे कि परमेश्वर के साथ संगति है लेकिन उसके बाद हम निकम्मे, नीच, नालायक, कमीन, लुच्चे अपने आप को प्रदर्शित करेंगे तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर से हमारी संगति नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। इसके पीछे एक कारण और भी है, यदि हमारी संगति अच्छी है तो हमारी अच्छी संगति में जो लोग हैं वे लोग हमको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ये बात मैं खास याद दिलाना चाहता हूँ,
यदि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो वे लोग निश्चित रूप से हमको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ही प्रेरित करेंगे। मैं अपने एक दोस्त को कभी नहीं भूल सकता, मुझसे उम्र में 6 महीने छोटा था। ग्वालियर शहर का बहुत ही फेमस डॉक्टर बन गया। 9वीं क्लास से हम एक साथ पढ़ते थे। बहुत मेहनती था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। पढ़ाई लिखाई के मामले में, हर मामले में वो मेरे साथ टोका टाकी करता रहता था। एग्ज़ाम से पहले वो बाकायदा अपना टाइम टेबल बना लेता था, उसके बाद जो है मुझसे पूछता था, तूने टाइम टेबल बना लिया क्या? नहीं, ये ले टाइम टेबल, मैंने बना लिया है, मैं इस टाइम टेबल से पढ़ूंगा, तू भी इसी टाइम टेबल से पढ़ना। कभी भी मेरे जीवन में जरा सी भी लापरवाही आई तो वो टोक देता था और मुझे सुधार देता था। ऐसे ही लोगों के साथ संगति के लिए हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं, और हम में से जो मैच्योर है, परिपक्व है, वो ऐसे ही लोगों से संगति करते हैं। 11th में तो नाटक हो गया। 11th का, हम लोग जब 11th में पढ़ते थे उस समय सिर्फ 11 क्लास हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, आज के प्लस टू के बराबर था। 11th में सरकार ने, उस समय बहुत अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अंग्रेजी का पेपर जो है, जो पेपर देना चाहे वो दे दे, जो नहीं देना चाहे वो ना दे, वो नंबर जो है आपके मार्कशीट में प्रिंट कर दिए जाएंगे लेकिन जोड़ेंगे नहीं। तो हमारे मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सबके नंबर जोड़े जाते थे। मार्कशीट में नीचे एक लाइन रहता था जिसमें अतिरिक्त ऐच्छिक विषय अंग्रेजी लिखा रहता था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, या कहा जाता था कि कोई ध्यान नहीं देता। और इसलिए जब मैं 11th में था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम दो तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम ना दो तो कोई नुकसान नहीं, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मेरे फ्रेंड ने सुना तो खार खा गया। उसने बोला कि मैं देखता हूँ तू एग्ज़ाम कैसे नहीं देता है। वो मेरे सर पे सवार हो गया और उसने पढ़ने के लिए मुझे मजबूर किया, एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर किया। मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आ गए। उसके 5 साल के बाद जब नौकरियों में इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू में पहली बात वो ये देखते थे कि आपने अंग्रेजी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। किसी भी अच्छी नौकरी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाएं, यदि आपने अंग्रेजी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको वहीं तुरंत रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा दोस्त वह दोस्त होता है जो आपकी भलाई के लिए सोचता है और जो आपके जीवन में हर स्टेप पर आपको सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप या मैं सिर्फ बुराई में जीवन बिताते हैं और हम कहें कि मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूं, तो ये गलत है, ये झूठ है। सांसारिक तौर पर एक अच्छे मित्र ने हमारी जो आपसी दोस्ती थी उस कारण जबरदस्ती कान पकड़ के, गर्दन दबा के, किसी न किसी तरीके से मुझे एग्ज़ाम दिलवा दिया। और इसलिए आज यदि मैं कहता हूँ कि वो मेरा मित्र था, मेरी उससे संगति थी, बिल्कुल गलत नहीं है। असली मित्र हमको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके आधार पर हम एक और चीज सोच सकते हैं, वो ये है कि हमारा जीवन यदि बुरा ही बुरा है और हम यदि कहें कि समाज में सबसे अच्छे लोगों से हमारी संगति है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। यदि समाज में सबसे अच्छे लोगों से हमारी संगति हो तो वे लोग हमको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इसलिए यदि हमारा जीवन बुरा ही बुरा है
तो वो अंधे की जो नजर है ना, जो दूर फुट दूर वाली किताब पढ़ रहा था, उस अंधे की नजर से ज्यादा बेहतर नहीं है, मतलब वो झूठी झूठ है। इस आधार पर प्रभु के वचन में जो कहा गया उसको जरा हम समझने की कोशिश करें। यदि हम में से कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो प्रभु के साथ संगति में रहता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और बिना किसी सीमा के मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु से मेरा प्रेम है और प्रेम के कारण प्रभु से मेरी संगति है, लेकिन हमारे जीवन में यदि झूठ, चोरी, लापरवाही, नालायकी, लुच्चाई है, तो उसका मतलब यह है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आज प्रभु का वचन हम में से हर व्यक्ति को ये चेतावनी देता है। आज संध्या के समय प्रभु के जिस वचन को हमने पढ़ा, वो वचन हम में से हर व्यक्ति को चेतावनी दे रहा है, बेटा जी, बिटिया, अपने जीवन को जरा जांच कर देखो। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि तुम सृष्टा, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, परमेश्वर के साथ संगति में हो, दूसरी ओर तुम्हारा जीवन जो है वो हर प्रकार के कुकर्म से, बुरे कर्मों से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, तुम प्रभु के साथ संगति में नहीं हो, तुम प्रभु का नाम जो है सिर्फ एक मुखौटे के रूप में लगा रहे हो। आजकल तो मुखौटों का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन दिवाली आदि का सीजन आता है तो बच्चे बाजार जाके वो खरीद लाते हैं ना मुखौटा और लगा लेते हैं। कभी कभी राजनैतिक जो प्रदर्शन होते हैं उसमें लोग अपने लीडर का मुखौटा लगा लेते हैं, लेकिन मुखौटे का प्रचलन कैसे आरंभ हुआ ये किसी को मालूम है क्या? किसी जमाने में मेकअप वगैरह नहीं होता था, आजकल तो मेकअप की बड़ी सुविधा हो गई है, काले को गोरा, गोरे को काला कर लो, और यदि किसी के बाल लटके हों तो उसको खड़ा कर लो, उसके लिए हर प्रकार की दवा दारू उपलब्ध है। लेकिन आज से नाटक आज से हजारों साल पहले आरंभ हुए, खासकर हिंदुस्तान में तो ड्रामा बहुत हुआ करता था, आज से हजारों साल पहले ड्रामा या नाटक होता था। तो नाटक में चेहरा कैसे बदला जाए, कैसे बताया जाए कि फलाना व्यक्ति राजा है, फलाना व्यक्ति चोर है, फलाना व्यक्ति कुछ और है, उसके लिए उन लोगों ने मुखौटे बनाने शुरू किए थे। तो बहुत ही भव्य और आकर्षक मुखौटा जो लगा लेता है, मुखौटा तो अरे मोहम्मूडी, मुखौटा लगा लेता है वो राजा है, और एकदम से काला कलूटा, मुंह से खून बदलता हुआ बहता हुआ जो मुखौटा है वो समाज में जो दुष्ट है उसको दिखाता है। अच्छा, आज से हजारों साल पहले जब नाटक होते थे उसमें स्त्रियों का जो रोल है वो पुरुष करते थे। हिंदुस्तान में स्त्रियों का रोल स्त्रियां करने लगे इसको अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। 100 साल से पहले स्त्रियों का स्टेज के ऊपर जाना वर्जित था। तो माँ को कैसे दिखाया जाए, कोई पुरुष माँ का मुखौटा लगा लेता था। बिटिया को कैसे दिखाया जाए, कोई पुरुष बिटिया का मुखौटा लगा लेता था। मुखौटा शब्द वहाँ से आया है। मुखौटा लगाकर हम स्टेज पर आकर राजा के समान व्यवहार करें, स्टेज से उतरने के बाद तो वही अपना पप्पू है, ना तो राजा है, ना महाराज है, ना मंत्री है, कुछ भी नहीं है। मुखौटा इस चीज को दिखाता है कि हम, हमारी असलियत कुछ और है, असल में हम कुछ और हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने ये नाटक कर रहे हैं कि हम जो है बहुत पवित्र हैं, परमेश्वर से संगति है। प्रभु का वचन आज संध्या को हम में से हर व्यक्ति से ये प्रश्न पूछता है कि यदि हम दावा करते हैं
कि प्रभु के साथ हमारी संगति है, तो उस हिसाब से हमारा जीवन है क्या। आज जितने भाई और बहन लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब से ये प्रश्न, पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्चे, यदि तुमको, तुम ये दावा करते हो कि तुम्हारी संगति प्रभु से है, या दावा छोड़ो, यदि तुम्हारे मन में ये फीलिंग है कि प्रभु के साथ तुम्हारी संगति है, तो सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर ये कलंक, ये नीचपन, ये लुच्चाई, चोरी, झूठ बोलना, ये सब कहाँ से है, क्यों है। ऑफ कोर्स कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी अनजाने जाने वो गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति जाने अनजाने गलती करता है और जो व्यक्ति आदत से गलती करता है, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। हम खुद जानते हैं कि हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चे बच्चियों, कजिन्स के बीच में ऐसे कई लोग हैं जो अनजाने गलती कर देते हैं और उसके बाद आके कहते हैं, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कि ऐसा है, मैंने वैसा कर दिया। उन लोगों की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो जानबूझकर गलती करते हैं और उसके बाद आके साफ झूठ बोल जाते हैं, नहीं मैंने नहीं किया। यदि हम अपने जीवन में इस तरह के काम करते हैं, यदि हमारी वाणी पर, हमारी जीभ पर झूठ यदि हमेशा उपस्थित हो, हमारे जीवन में हर तरह की लापरवाही हो, निकम्मापन हो, चोरी हो, और फिर हम कहें कि मैं तो प्रभु यीशु का अनुयायी हूँ, तो सवाल यह है कि कैसा अनुयायी है, झूठा अनुयायी है। यही प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहें कि प्रभु के साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें तो झूठे हैं। एक आध बार जीवन में कोई गलती हो जाए, ये सबके जीवन में गलती होती है, भूल के कारण गलती होती है, गलत फहमी के कारण गलती होती है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ एक शब्द, इस पर विशेष ध्यान दें, अंधकार में चलें। मैंने आपको अपने मित्र के बारे में बोला था, मैंने लापरवाही की, मैंने डिसाइड किया कि एग्जाम नहीं दूंगा, लेकिन उस लापरवाही में उसने चलने दिया क्या, मुझे नहीं चलने दिया, उसको मैंने लात मार के अलग क्यों नहीं कर दिया, इसलिए कि उसके साथ मेरी संगति है, वो मेरा सच्चा दोस्त है, और इसलिए मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इसी तरह से हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में एकाध लापरवाही, एकाध गलती में हो सकता है फंस जाए। प्रभु का वचन उसके बारे में नहीं बोल रहा है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अंधकार में चलें, चलना एक कदम से नहीं होता है, दो कदम से नहीं होता है, चलने का मतलब है असली चलना। तो यदि हम, हमारे जीवन में हमारा जो चाल चलन है, उस चाल चलन में पाप, अंधकार, नीचपन, कुकर्म यदि भरे हुए हैं, तो प्रभु के साथ हमारी संगति नहीं है। इसके आधार पर आज शाम को मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने अपना मन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया है क्या। हिंदी में एक गाना है, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊँगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया और आज से मैं उस प्रभु के लिए अपना जीवन जीऊँगा। यदि आपने वाकई में अपना मन प्रभु को अर्पित कर दिया है, तो आदतन अंधकार में नहीं चलेंगे। और इस कारण आज संध्या को यदि कोई भाई या बहन या बच्चा है
जो अपने आप को ईमानदारी से जांचने के बाद ये पाता है कि मैं आदतन अंधकार में चलता हूँ, आदतन पाप करता हूँ, कुकर्म करता हूँ, तो जरा अपने आप को जांच ले। आपने प्रभु यीशु के द्वारा जो शाश्वत जीवन है वो पाया है क्या? आज जितने लोग एकत्रित हुए हैं, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को जरा जांचो। तुम्हारा व्यवहार किस तरह का है? तुमने प्रभु के साथ संगति की है या नहीं की है? आगे हम देखते हैं, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जो झूठा है वो स्वाभाविक है कि वो सत्य पर नहीं चलता है, वो झूठ के आधार पर चलता है। इसके आधार पर आज संध्या मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 6,000 साल पहले सर्वेश्वर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य के साथ संगति के लिए मनुष्य को एक बहुत ही आकर्षक बगिया में रखा जिसका नाम था अदन। उस बगिया में हर तरह के फल उपलब्ध थे और परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि इस बगिया में जितने फल हैं सब मैंने तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं, बस बीच में एक पेड़ है उसको मत खाना, उसको उसका खाना परमेश्वर से तुम्हारा संबंध तोड़ देगा। मनुष्य के लिए हजारों प्रकार के फल थे, उन हजारों प्रकार के फलों को जिसका आस्वादन उसने किया था, एक दिन उसने वर्जित फल खा लिया। आदम और हव्वा दोनों ने उस वर्जित फल को खाया, दोनों ही तुरंत पापी बन गए, परमेश्वर से दूर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। अंधकार जो हमारे दिल में जैसे आंधी आकर हिलोरें मारती है, उसी तरह से अंधकार हमारे दिल में आकर हिलोरें इसलिए मारता है क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन उस पाप से, उस पाप की सजा से हमको बचाने के लिए ही आज से 2,000 साल पहले प्रभु यीशु संसार में पधारे थे। प्रभु निष्पाप और निष्कलंक थे, लेकिन मेरे आपके लिए उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। उस सूली पर मेरे आपके पापों की सजा प्रभु ने सह ली। प्रभु ने स्वयं कहा था, मैं मनुष्य के पापों के लिए सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा। उस सूली पर प्रभु ने आपके और मेरे सब पापों की सजा सह ली। इस कारण जो भी व्यक्ति आज प्रभु के पास जाके कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, आपने मेरे लिए सूली पर अपना जीवन दिया, आपने मेरे लिए बलिदान किया, आज मैं उस बलिदान को ग्रहण करता हूँ, प्रभु मुझे पापों से क्षमा करके शाश्वत जीवन दीजिए। हम में से कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रभु से बोलेगा तो प्रभु तुरंत उसके सारे पाप क्षमा करके उसको न केवल शाश्वत जीवन प्रदान करेंगे, उसको ज्योति के साथ संगति में चलने का अवसर भी देंगे। इस सभा में इस तरह का कोई भी भाई या इस तरह की कोई भी बहन या बच्चा है जिसने अपने जीवन में इस तरह के शाश्वत जीवन का अनुभव नहीं किया है, तो मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चे, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करो, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, परमेश्वर के पास आ जाओ। इस विषय को और अधिक समझने के लिए हम में से किसी से भी संपर्क करें। लेकिन आज इस सभा में इस तरह के भी कई लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये शाश्वत जीवन पा लिया है, जिनको शाश्वत जीवन का अनुभव है, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। शाश्वत जीवन पा लिया है का मतलब है परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है।
और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के साथ संगति में जीवन बिताए बिताते हैं क्या? ऐसे हम किस तरह के लोगों से संगति करते हैं? ऐसे लोगों से जो हमको प्रकाश में चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या ऐसे लोग जो हमको अंधकार में चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? जब हम ग्वालियर में रहते थे तो हमारे पड़ोस में एक मेडिकल शॉप, एक बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति मेडिकल शॉप चलाते थे। एक दिन रात के लगभग 9 बजे का समय होगा, कस्टमर्स सब जा चुके थे। मैं दवा लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा, फिलिप साहब आपके पास 5 मिनट है क्या? मैंने कहा 5 क्या, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला पोसा है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में बड़े बेटे को मुंबई में एक कज़िन के पास रहने के लिए भेज दिया, और जब से वो वापस आया है तब से उसका दिमाग ख़राब हो गया है। ना तो ढंग से बात करता है, ना ढंग से खाना खाता है, ना नौकरी करने की सोचता है, ना दुकान चलाने की सोचता है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैंने अपने भाई के घर भेजा था, भाई का बड़ा लड़का नंबर 1 लुच्चा है, और महीने भर में उसने मेरे बेटे का दिमाग पूरी तरह से फेर दिया। ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि हम में से जिन लोगों ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वे लोग भी यदि गलत संगति में पड़ जाएं तो उनके जीवन में अंधकार आ जाएगा। ये जो मेडिकल शॉप के जो मालिक थे वो डॉक्टर भी थे, उसके साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बेटों को सर्वोत्तम तरीके से जो है पाला था। महीने भर की संगति एक लुच्चे के साथ हुई और लड़का बिगड़ गया। आज मैं जो विश्वासी लोग इस संगति में हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह के विश्वासियों के साथ संगति करते हैं? बहुत प्रकार के विश्वासी हैं, उसके अलावा आपके चारों तरफ अविश्वासी लोग भी होंगे, उनमें से किस तरह के लोगों के साथ संगति करते हैं? क्यों? इसलिए कि हम जिसके साथ संगति करते हैं उसका असर होता है, धीरे धीरे असर होता है, एकदम से ना दिखाई दे लेकिन असर होता है। आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि खिड़की के पास जो पर्दा पड़ा रहता है, 3-4 साल के बाद जब वो आप पर्दा निकालते हैं तो उसके बाहर का हिस्सा जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वो पूरी तरह से धुंधला हो चुका होता है। ध्यान दिया होगा, सबने ध्यान दिया होगा। एक दिन में नहीं पता चलता, 2 दिन में नहीं पता चलता, लेकिन कुछ समय के बाद। उसी तरह से जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उनके लिए जरूरी है कि वे ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो स्वयं ज्योति में चलते हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई अंधकार आ जाए तो टोका टाकी कर सके कि ये तू जिस रास्ते पे जा रहा है वो तुझे नाश कर देगा। तो जो बिलीवर्स आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, किस तरह के लोगों के साथ आपकी संगति है? किस तरह के लोगों के साथ आप समय बिताते हैं? वे लोग आपको रोशनी में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या आपको अंधकार की तरफ खींच रहे हैं? इन बातों को जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु के शिष्य प्रभु का दर्शन कर रहे थे, वे एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर जब प्रभु का दर्शन कर रहे थे तब उनके सामने प्रभु उठा लिए गए। उठा लिए जाने से पहले प्रभु ने ये बात बताई थी, उठाए जाने के बाद स्वर्गदूतों का एक ग्रुप आया, उन्होंने ये बात बताई कि जिस तरह से प्रभु गए हैं उसी तरह से वापस आएंगे।
प्रभु ने स्वयं भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ जिससे तुम्हारे लिए भवन तैयार कर सकूँ, और जब भवन तैयार करूँगा तो वापस आऊँगा जिससे कि तुम भी वहीं रहो जहाँ मैं हूँ। सवाल यह है कि प्रभु हमको ऐसे ही ले जाएंगे क्या? नहीं, प्रभु का वचन कहता है, खासकर जो लोग बाइबल नियमित रूप से पढ़ते हैं वे लोग नोट कर लें, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में यह स्पष्टतया बताया गया है कि हमको हमारे शाश्वत भवनों में भेजने से पहले अग्नि से हमारी परीक्षा होगी। अग्नि से, और हमने अपने जीवन भर में जो उल्टा सीधा सब कुछ कलेक्ट किया है, घास फूस लकड़ी, वो सब जल जाएगा। इसलिए सभी भाइयों और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम सबको जिन्होंने शाश्वत जीवन पा लिया है उनको न्याय आसन के सामने खड़े होना होगा, और जिन्होंने शाश्वत जीवन नहीं पाया है उनको प्रभु के दंड आसन के सामने खड़ा होना होगा। प्रभु के एक से अधिक न्याय आसन है, ये बात भी मैं याद दिला दूँ। आज प्रभु ने हमको ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आज इस सभा में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिन्होंने कभी भी इस प्रकाश में प्रवेश नहीं किया, उनसे मेरा अनुरोध है, प्रिय भाई प्रिय बहन, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रभु के पास आकर शाश्वत जीवन पा लें। यदि आपको ये बात स्पष्ट नहीं है तो हम में से किसी से बात कीजिए। 2, आज इस सभा में वॉलंटियर्स के रूप में इस तरह के कई भाई और बहन बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में शाश्वत जीवन का अनुभव किया है, उनसे मेरा प्रश्न है, किस तरह के लोगों के साथ आपकी संगति है? ऐसे लोग जो आपको ज्योति के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या ऐसे लोग जो आपको अंधकार के लिए प्रोत्साहित करते हैं? इन सब बातों को सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।